राम मंदिर फैसला आने के चलते गुरुवार को शांति समिति की बैठक जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जहां समुदाय के प्रमुख लोग बैठक में शामिल हुए। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सभी से अमन चैन और आपसी भाईचारे से रहने की अपील की। जैसे जैसे राम मंदिर पर फैसले के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रशासन और सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं। देश प्रदेश में अमन चैन और शांति बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते जिले भर में ग्रामीण स्तर सहित शहरी स्तर पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान सभी समुदाय के प्रमुख लोग बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सभी समुदाय के लोगों से अपील की और कहा कि राम मंदिर पर कोर्ट का जो भी फैसला हो उसे स्वीकार करें और दोनों वर्गों के बीच आपसी सौहार्द रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, साथ ही फटाके ना चलाएं और आपसी भाईचारा बनाए रखें। तो एक बार फिर वो घड़ी आ गई है जब अयोध्या की धरती का कोई फैसला होना है, किसके पक्ष में होना किसके पक्ष में नहीं होना। आज शांति समिति की बैठक का मूल मुद्दा ये था कि हम निर्णय जो भी दें न्यायाधीश, कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है, हम तो राष्ट्रहित और देश हित की बात करने वाले लोग हैं। जो भी निर्णय आएगा सिरोधारी करेंगे। ये भी बात उठी कि कोई निर्णय से अति उत्साहित ना हो जाए कि फटाके अटाके फोड़ने लगे और किसी को हल्का सा निर्णय से कहीं धक्का पहुँचे तो गमगीन ना हो जाए। हंसी खुशी का मौका है, त्योहारों की श्रृंखला चल रही है, दिवाली चल रही है, मिलाद उन नबी चल रही है, गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व 550वां जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। तो ये धरती तो सब धर्मों को समाहित करके एक धर्म मानती है, राष्ट्र धर्म, और वही आज शांति समिति की बैठक का मूल मुद्दा था।